हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज के वीडियो लेसन में हम बात करेंगे BSPHCL 2018 कंप्लीट सिलेबस। जैसे कि आप जानते हैं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट पोस्ट के लिए अपनी वैकेंसी रिलीज कर दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है 29 मई। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लिंक स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, टेंटेटिव डेट BSPHCL ने अपने नोटिफिकेशन में लास्ट वीक ऑफ जून दी, तो ये बहुत ही सही समय है तैयारी स्टार्ट करने का इसके लिए। तो तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको एग्जाम का सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। तो आज हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स इसमें रहेंगे BSPHCL के एग्जाम में, इनके बारे में बात करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सब्जेक्ट हमने लिया है जीके या फिर जनरल नॉलेज। लेवल क्या रहेगा? 10th लेवल का जीके रहेगा। टॉपिक्स देख लेते हैं, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। करंट अफेयर्स तैयार रहने चाहिए ये, और मैं बता देता हूँ, लास्ट के 6 से 7 महीने के करंट अफेयर्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है, और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो पहला हो गया आपका करंट अफेयर्स। सेकेंड है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। एडवाइस दूंगा कि लूसेंट से अगर आप सही से नोट्स तैयार कर लेते हैं तो मोर देन इनफ रहेगा, ज्यादा डीप में इसमें भी जाना नहीं है। सिमिलरली फॉर इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, आप तीनों के तीनों टॉपिक्स लूसेंट से अगर तैयार करके चले जाते हैं तो मोर देन इनफ रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और फाइनली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि टेंथ की डिफरेंट एग्जाम, डिफरेंट बुक्स, चाहे एस चांद हो, आर एस अग्रवाल हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप प्रीफर कीजिए। वहां से अगर आप टेंथ की जो बुक्स रहती है आपकी, जैसे कि मैंने दो बुक्स का पब्लिशर्स का नाम लिया आपके सामने, एस चांद और आर एस अग्रवाल, इन दोनों से आप सही से तैयारी कर लेते हैं तो मोर देन इनफ, तो जीके आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक थे? करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और फाइनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका रहेगा लॉजिकल रीजनिंग का, ये भी 10th लेवल का ही रहेगा। टॉपिक्स देख लेते हैं, पहला टॉपिक है एनालॉजीज। वर्ड एनालॉजीज जनरली आती है, मीनिंग एनालॉजीज डिफरेंट, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता, कई बार इंग्लिश बेस्ड रहता है, कई बार लॉजिक बेस्ड रहता है। ठीक है, तो इसके आप किसी भी अच्छी बुक से, कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल की अच्छी बुक से एनालॉजीज के 100 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और आप उसमें आपकी पकड़ सही हो जाती है तो मोर देन इनफ रहेगा, इसका भी लेवल बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, दूसरा है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के लिए भी सेम ही एडवाइस दूंगा मैं, 100 से 200 क्वेश्चन मोर देन इनफ रहेंगे। थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीसरा रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स मतलब ब्लड रिलेशन के यहाँ पे बारे में बात हो रही है। स्पेस विजुअलाइजेशन रहेगा। ठीक है, स्पेस विजुअलाइजेशन रहेगा। नंबर सीरीज रहेगी, नंबर सीरीज हमने देखी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, चाहे जो अर्थमेटिक नंबर सीरीज रहती है आपकी, जिसमें आपको नेक्स्ट टर्म के बारे में बताना पड़ता है, एक पैटर्न ढूंढना पड़ता है, तो इस तरह के सवाल आप ऑलरेडी अगर कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऑलरेडी आप वेल वर्स्ड हैं, तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं। और फाइनली आपकी अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो ये सारी की सारी 10th लेवल की बहुत ही इजी लेवल की रीजनिंग पूछी जाएगी, और रीजनिंग में कुछ भी अलग नहीं होगा। अगर आप SSC, बैंक, किसी की भी रीजनिंग की तैयारी करते हैं तो इसके लिए आपको अलग से कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से मोर देन इनफ, जितना आपको रिक्वायर्ड रहेगा उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथमेटिक्स। 10th लेवल की मैथ्स रहेगी इसमें भी। परसेंटेजेस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेजेस एंड प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो ये आपके सामने 7 टॉपिक है। 7 टॉपिक अलग से करने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंक एग्जाम, SSC, रेलवे, अगर वहां पर आप ये टॉपिक कवर कर रहे हैं तो अलग से BSPHCL के लिए एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी को कंटिन्यू कीजिए, आराम से इसमें स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, क्वेश्चन का लेवल भी यहाँ पर काफी इजी रहेगा, बैंक और SSC CGL जितने लेवल का नहीं रहेगा, थोड़ा सा लोअर लेवल का रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये भी 10th लेवल, जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे सब 10th लेवल के, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें क्या क्या टॉपिक, वही सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, idiom phrases, passage comprehension, जो आपका क्लर्क PU लेवल के बैंक में एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है,
मोर क्लोज टू क्लर्क लेवल, पीओ के बजाय क्लर्क लेवल की इंग्लिश जो आपसे पूछी जाती है वो ही यहाँ पर पूछी जाएगी। तो कुछ भी अलग नहीं है, ज्यादा हाई लेवल भी नहीं है, जो वहां आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जो तैयारी करते रहे हैं उसी को कंटिन्यू कीजिए, और ज्यादा उसमें थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए तो इसकी भी ऑटोमेटिक तैयारी आपकी हो जाएगी। और फाइनली आपका कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जो आपके, अगर आपने बैंक क्लर्क या बैंक पीओ के एग्जाम की तैयारी की है तो वहां पे कंप्यूटर अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है, वही टॉपिक यहाँ पर रहेगा। और जो टॉपिक्स रहेंगे काफी ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल टॉपिक्स रहेंगे, डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें क्या सीपीयू क्या होता है, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और नंबर सिस्टम की पूरी जानकारी, ठीक है। सेकेंड इसमें टॉपिक रहेगा आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के। तो उसमें सबसे पहले तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फिर OS जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, और फाइनली के अलग अलग टाइप की जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है उनके बारे में। नेक्स्ट रहेगा MS Office के बारे में, MS Office में आपका MS Word के बारे में नॉलेज रहना चाहिए, MS Excel के बारे में और MS PowerPoint। इसमें कुछ डीप में नॉलेज लेने की जरूरत नहीं, सुपरफिशियल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से सवाल पूछे जाएंगे, एक बार देखेंगे तो आपको याद होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी। और फाइनल आपका टॉपिक रहेगा बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में भी नॉलेज रहना जरूरी रहेगा, जैसे कि इसमें क्या क्या आएगा, ईमेल आएंगे आपके, सर्च इंजन्स, ब्राउजर, वेब सर्वर्स, ठीक है। अगर ये सब आप टॉपिक कवर कर चुके हैं और कर रहे हैं तो कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, बस उसे कंटिन्यू रखिए, यहाँ पर वही सुपरफिशियल नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी कंप्यूटर अवेयरनेस में। तो ये पांच टॉपिक हमने देखे जो आपके BSPHCL एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या हमें कवर करने की जरूरत है, उस सारे के बारे में हमने डिटेल में बात की। इस सेशन के बाद भी कोई सिलेबस के रिगार्डिंग आपके डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर लीव कीजिएगा, और जो बेल आइकन आपको सब्सक्रिप्शन बटन के पास दिख रहा है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे होगा ये कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।